जब भी चुनाव आते हैं तो विपक्ष हारने के बाद सरकार पर चुनाव में धांधली के आरोप लगा देता है। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में विपक्ष के नेताओं को अभी से चुनाव में गड़बड़ी का डर सता रहा है। इसी डर और चुनावी गहमागहमी के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी मांग कर दी है। अखिलेश यादव ने मांग तो की ही, साथ ही साथ बीजेपी पर आरोपों की बौछार लगा दी। लिखा, जिस तरह ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग के आगे के पहले अक्षरों को मिलाकर ईसीआई बनता है, वो दरअसल इस बात का सकारात्मक इशारा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उम्मीद की वो किरण है जो भाजपा सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के दुरुपयोग पर आगे से लगाम लगा सकता है। इसके आगे सपा मुखिया ने चुनाव आयोग से उम्मीद जताई कि वो बिना पक्षपात किए चुनाव कराएगा। अखिलेश लिखते हैं, आशा है चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए बेलगाम बेईमान सरकारी तंत्र को सक्रिय नहीं होने देगा और हमेशा की तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए ढाल बनेगा। जब लोकतंत्र बचेगा तभी चुनाव आयोग की गरिमा और प्रतिष्ठा भी बची बनी रहेगी। चुनाव आयोग को निर्भय होकर निष्पक्ष चुनाव कराने व सभी दलों को बिना किसी पक्षपात व भेदभाव के चुनाव लड़ने के बराबर मौके देने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। निष्पक्ष चुनाव चुनाव आयोग की जीत होगी। बता दें कि इन दिनों विपक्ष के नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। कुछ नेता जेल में हैं तो कुछ को नोटिस पर नोटिस मिल रहे हैं। इसी कार्रवाई को यूपी के पूर्व सीएम गलत बता रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने पोस्ट कर चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग कर दी।